Hello everybody, today is a fourth class of operational amplifier and today I will go to discuss about summer circuit. मतलब हम लोग इस operational amplifier का यूज करके हम लोग कैसे इससे हम लोग क्या कर सकते हैं summer circuit को बनाएंगे उसके बारे में हम लोग study करेंगे. Previous class में मैंने बताया था आप लोगों को कि कैसे non-inverting operational amplifier का design करेंगे. तो यहाँ पर हम लोग देखिए discuss कर रहे हैं summer समर सर्किट, ठीक है ना. यह समर ऑपरेशनल एम्पलीफायर समर सर्किट. बेसिकली हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि समर्स जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं. एक जो होता है वो क्या होता है कि इन्वर्टिंग होता है और दूसरा क्या होता है नॉन इन्वर्टिंग. क्योंकि हमारे पास दो तरह के हैं तो यहां बेसिकली क्या होगा दो तरह के होंगे. ये जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है आपका इन्वर्टिंग और दूसरा होता है आपका नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है ना. तो यहां पर क्या होगा नॉन इन्वर्टिंग समर सर्किट या समर, और ये जो होगा आपका क्या होगा इन्वर्टिंग समर, ठीक है ना. ये आपका फर्स्ट हो गया, एक आपका हो गया सेकेंड. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन्वर्टिंग समर के बारे में पढ़ेंगे. एक्चुअली समर का मतलब क्या होता है, सम का अर्थ क्या होता है, नंबर्स को एडिशंस करना, जोड़ना. जैसे हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेटर में ऐड करते हैं, तो कैलकुलेटर में आप देखते रहे कि जैसे 2 + 5 अगर मैं ऐड, तो 2 में 5 को ऐड करके डायरेक्ट क्या होता है रिजल्ट आता है. तो वो रिजल्ट जो होता है हम लोग जिससे डिटरमीन करते हैं फाइंड करते हैं दैट इज कॉल्ड समर. अब इस समर को हम लोग कैसे फिजिकली फाइंड करेंगे बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसके लिए सर्किट डायग्राम देखिए. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन्वर्टिंग समर पर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर ले लेंगे लाइक दिस. यहां पर से हम लोग क्या करेंगे दिस इज योर पॉजिटिव और दिस इज योर निगेटिव. यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यहां हमें आउटपुट लाना है दैट इज योर आउटपुट. यहां से हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग ग्राउंड कर देंगे, यहां से ग्राउंड कर देंगे अर्थात क्या हो जाएगा ये आपका हो गया वी पॉजिटिव और यहां से ये देख रहे हैं ना ये क्या हो गया आपका वी निगेटिव. क्यों, क्योंकि ये वोल्टेज एट निगेटिव टर्मिनल वोल्टेज एट पॉजिटिव टर्मिनल्स. इसका मतलब क्या होगा वी की मतलब वोल्टेज एट नन क्या होगा इन्वर्टिंग टर्मिनल और वी एन मतलब हो गया इन्वर्टिंग टर्मिनल्स. यहां हम लोग क्या करेंगे समर सब जो हम बेसिकली ले रहे हैं इसमें हम लोग पहले फीडबैक लगा देंगे लाइक दिस. इस सर्किट से आप लोग सभी फैमिलियर होंगे. अब यहां से सपोज यहां हम लेते हैं एक, तो इस सर्किट से तो आप लोग सभी लोग फैमिलियर हैं. क्यों, क्योंकि इसको आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये कौन सा एम्पलीफायर है, हाँ कौन सा, इसका नाम बताइए क्या है इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है ना. इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग मान रहे हैं कि सपोज दिस इज योर आरएफ है, क्या है यहां पर आरएफ है. तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग एक और ले लेते हैं लाइक दिस. यहां से हम लोग क्या करते हैं इसको ऐसे ले लेते हैं, तो ये देख रहे हैं आप मीन ले सकते हैं, ठीक है ना. तो यहां से आप लोग क्या कर रहे हैं सपोज ये आपका होगा V1 यहां R1, यहां होगा V2 ये क्या होगा R2, यहां V3 और यहां पर क्या होगा R3. श्योर आप ऐसे कर सकते हैं, मैं जिन के लिए ले रहा हूं आप इन के लिए भी ले सकते हो, होगा क्या. तो सेम कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे कि सुपर पोजिशन थ्योरम को हम लोग क्या करेंगे अप्लाई करेंगे. देखिए बेसिकली क्या होगा सुपर पोजिशन थ्योरम कहां लगता है, जहां पर सर्किट क्या होगा लीनियर होगा. तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट इज एसो एक्ट एज ए लीनियर सर्किट, ये लीनियर सर्किट की तरह भी हेल्प करता है. तो सबसे पहले V0, ठीक है ना, V0 इक्वल टू क्या होगा यहां पर कह सकते हैं V01 V02 प्लस क्या होगा V03. अभी हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है ना. जैसे ही हम लोग डीएक्टिवेट कर देंगे तो क्या होगा कि ये दोनों काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना. अभी जब दोनों काम करना बंद कर देगा तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे V01 बराबर क्या होगा -RF बटा क्या होगा R1 × V1, ठीक है.
इसमें क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम यू शुड डीएक्टिवेट ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दोनों वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करेंगे इंडिपेंडेंट कर देंगे और एक को हम लोग क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। या सेकेंड थिंग्स हम लोग क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या करेंगे नोडल यहां पर नोड पर क्या करेंगे वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। यहां से क्या होगा यहां से ये आपका कंसेप्ट अभी भी अप्लाई करके बताएंगे, मैं सेकेंड कंसेप्ट से चल रहा हूं अभी। यहां से आप क्या करेंगे कि इस जगह पर सोचिए इस जगह पर जितने करंट है जैसे सपोज इसमें आई वन आया, इससे आपका आई टू आया, यहां से क्या आया आई थ्री आया, तो यहां से आपका आई टू, यहां से आपका तीनों मिलकर क्या होगा तो यहां दिस इज योर ए, यहां से क्या होगा वीपी बराबर जीरो और वीपी बराबर जीरो है तो इसका मतलब वीएन बराबर क्या होगा जीरो होगा। अब यहां से देखिए वीपी बराबर वीएन बराबर क्या होगा जीरो, इसका अर्थ यहां भी जीरो हो गया यहां भी जीरो हो गया। इस जगह पर जितने भी करंट इधर में आपका आई टू करंट जीरो और यहां आई वन करंट क्या होगा जीरो, तो इस जगह पर क्या होगा टोटल करंट मतलब क्या होगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस क्या यहां होगा बताइए आई एफ प्लस आई एफ बराबर क्या होगा जीरो। जब हम लोग नोडल एनालिसिस की बात करते हैं या इसको हम लोग कह सकते हैं बाय के सी एल किरचॉफ्स लॉ से, कहां पर तो एट जंक्शन नंबर वन, बाय के सी एल एट जंक्शन क्या होगा यहां पर वन, जंक्शन वन पर जब लगाएंगे तो बताइए आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई ए बराबर जीरो। जिस जगह पर आप वोल्टेज या करंट फाइंड कर रहे हैं उस जगह के पोटेंशियल को हमेशा आप हाइयर मान के चलो तो ये इजिएस्ट होगा टू सॉल्व दिस सर्किट। यहां पर का वोल्टेज क्या होगा वीएन है तो वीएन माइनस वी वन बटा आर वन बराबर क्या होगा करंट, तो यहां से लिख सकते हैं कि आई वन बराबर वीएन माइनस क्या होगा वी वन डिवाइडेड बाय क्या होगा आर वन। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे वीएन माइनस वी टू वी एन माइनस वी टू अपॉन क्या होगा आर टू, इसी तरह से क्या होगा वी एन माइनस क्या होगा वी थ्री डिवाइडेड बाय क्या होगा यहां पर आर थ्री प्लस आई एफ है तो आई एफ यहां देखिए यहां पर क्या होगा वी एन यहां का पोटेंशियल ज्यादा है किससे तो यहां से क्या होगा वी नॉट ओवरटा क्या होगा आपका आर एफ से, ठीक है ना बराबर क्या होगा जीरो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है यहां हियर वी एन बराबर वी पी इक्वल्स टू जीरो, इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू जीरो है, जो ही पुट करेंगे तो यहां से वैल्यू क्या आएगा देखिए यहां पर वी जीरो माइनस वी वन बटा आर वन जीरो माइनस वी टू बटा आर टू जीरो माइनस वी थ्री बटा क्या होगा आर थ्री देख रहे हैं और यहां पर क्या होगा जीरो माइनस वी नॉट बटा क्या होगा आर एफ बराबर क्या होगा जीरो। हम लोग क्या करेंगे दाएं तरफ इसको भेजेंगे लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा निगेटिव टू पॉजिटिव मतलब वी नॉट बटा क्या होगा आर एफ बराबर माइनस कॉमन कर लीजिए तो यहां पर क्या होगा वी वन बटा आर वन वी टू बटा आर टू और यहां क्या होगा वी थ्री बटा आर थ्री। तो यहां से हम लोग वी नॉट निकाल सकते हैं तो वी नॉट इक्वल्स टू क्या होगा माइनस आर एफ बटा आर वन इंटू क्या होगा वी वन माइनस आर एफ बटा आर टू इंटू क्या होगा वी टू माइनस आर एफ बटा क्या होगा आर थ्री इंटू वी थ्री। देखिए सेम कंसेप्ट हम लोग क्या करते हैं अप्लाई करते हैं एक जगह आप लोगों को मैं बताया था प्रीवियस ईयर में जब आप लोगों को फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों को माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा रहे थे उसमें एक टॉपिक थी एनालॉग से डिजिटल डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो बेसिकली क्या होगा कि सेम कंसेप्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं यहां अप्लाई कर सकते हैं सपोज वी वन वी टू वी थ्री वी फोर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि एनालॉग देंगे तो कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा कि यहां पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वी वन वी टू वी थ्री जो है हम लोग क्या कर रहे हैं सिग्नल दे रहे हैं ना ऐसा डिजिटल तो ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है आपका एनालॉग कन्वर्टर में। तो सेम कंसेप्ट विल अप्लाई फॉर एनालॉग टू डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ वी वन वी टू वी थ्री को हम लोग वहां पर क्या करते थे कि वोल्टेज मान लेते थे जीरो या वन जीरो वन मान लेते हैं जीरो फाइव तो जैसे ही हम लोग इसको अप्लाई करेंगे यहां पर क्या होगा आपका आउटपुट आएगा और उस आउटपुट को हम लोग क्या करते हैं फाइंड करते हैं। तो दिस इज ए एक्सप्रेशन ऑफ क्या हो गया
इनवर्टिंग समर, इसका नाम क्या रखा था हमने बताया था ना, इन वर्टिंग समर, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि नन इनवर्टिंग समर फाइंड कर सकते हैं। बोलिएगा कैसे, तो मैं इसको भी कर लेता हूं, आप लोग लिख लिए। नन इनवर्टिंग समर में क्या होगा, एक चीज और, एक मेथड में और बताने जा रहा था थोड़ा सा, मेथड नंबर टू, ये मेथड वन नंबर वन था। मेथड टू में हम लोग क्या करेंगे, चूंकि यहां क्या कर रहे हैं कि ये जो काम करता है वो कैसा बिहेव करता है, तो बेसिकली बिहेव करता है ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये आपका लीनियर सर्किट है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक्ट एज ए लीनियर सर्किट, तो जब लीनियर सर्किट जब करेगा बिहेव, तो हम लोग क्या करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहां पर वी जीरो का वी जीरो वन वी जीरो टू वी जीरो थ्री, सपोज यहां पर हम लोग इसका वैल्यू जीरो लेते हैं, इसका वैल्यू जीरो, तो अर्थात वी जीरो बराबर क्या होगा, वी जीरो वन बराबर क्या होगा, यहां वी जीरो वन हो जाएगा, और वी जीरो वन का वैल्यू कितना होगा, माइनस आर एफ बटा क्या होगा आर वन, और इनटू क्या होगा वी वन, कब वेन क्या होगा वी टू एंड वी थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसी तरह से वी जीरो टू भी हम फाइंड कर सकते हैं, कब, यहां इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस आर एफ बटा आर टू इंटू वी टू, कब, जब यहां पर क्या होगा वी वन एंड वी टू वी थ्री और क्या होगा मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। एंड वी जीरो थ्री बराबर क्या होगा बताइए, माइनस आर एफ बटा आर थ्री इंटू क्या होगा वी थ्री। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन से पुट कर देंगे ए में, ये मेथड नंबर टू बता रहा हूं। तो मेथड टू के अनुसार क्या होगा, वी जीरो वन बराबर क्या होगा, यहां से देखिए, माइनस आर एफ बटा आर वन इंटू वी वन, माइनस आर एफ बटा आर टू इंटू वी टू, माइनस आर एफ बटा आर थ्री इंटू वी थ्री। ये जो हो गया आपका एक्सप्रेशन जो हो गया, वो हम लोग सेकेंड नियम से निकाले हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है ना। तो यहां से क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक और सर्किट के बारे में पढ़ेंगे इन्वर्टिंग में। ये तो इन्वर्टिंग था, सेकेंड जो था वो नॉन इन्वर्टिंग था। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो सर्किट यहां अप्लाई कर रहे थे वही सर्किट हम लोग क्या करेंगे यहां अप्लाई कर देंगे। सपोज होगा क्या कि सपोज यहां से आप कर लो ऐसे, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यहां एक मान लो कि दिस इज योर आर वन, यहां से आप लोग क्या मान लीजिए, यहां से क्या होगा ये आपका हो गया आर टू, और यहां से क्या हो गया आपका आर थ्री, आप एक भी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप मान सकते हो। यहां से क्या होगा, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यहां से वैल्यू आ जाएगा वी वन, ये वी टू, ये क्या होगा वी थ्री, इस जगह की वोल्टेज क्या होगी वीपी होगी, ठीक है ना। यहां से इस साइड में जो करंट है उसका वैल्यू क्या होगा जीरो, मतलब आई वन बराबर जीरो है, यहां आई टू बराबर क्या है जीरो। यहां से आप मान लो दिस इज योर आर डैस, यहां होगा आर वन, यहां आर टू, ये क्या होगा आर थ्री। जब हम लोग अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, यहां से हम लोग जब चलेंगे सेम सुपरपोजिशन से अप्लाई करेंगे, तो यहां से होगा आई वन, यहां होगा आई टू, ये क्या होगा आई थ्री। तो एट इसको जंक्शन टू मान लीजिए, एट जंक्शन टू इसको हम लोग वन मान रहे हैं, तो क्या होगा टोटल करेंट आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री बराबर जीरो। यहां से हम लोग पुट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां से निकालिए इस जगह वोल्टेज क्या है वीपी, तो वीपी माइनस क्या होगा यहां वी वन, यहां से देखिए आपको अर्थिंग करने होंगे, ठीक है ना। मटा क्या होगा आर वन, वीपी माइनस वी टू बटा क्या होगा आर टू, और यहां वीपी माइनस वी थ्री बटा क्या होगा आर थ्री, और बराबर क्या होगा जीरो। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, वीपी इंटू वन बटा आर वन, देखिए टर्म ये टर्म ये टर्म ले रहे हैं, वन बटा क्या होगा आर टू और वन बटा आर थ्री बराबर क्या होगा, दाएं तरफ बदल जाएगा तो क्या होगा निगेटिव, है ना। दाएं तरफ भेजेंगे तो होगा वी वन बटा आर वन, वी टू बटा आर टू, और वी थ्री बटा क्या होगा आर थ्री।
तो यहां से VB का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं V1 बटा R1, V2 बटा R2, V3 बटा R3, और यहां से क्या होगा 1 बटा R1, 1 बाई R2, 1 बाई क्या होगा R3। जब VB निकल चुका है तो इस पूरी जगह का, इस जगह का पोटेंशियल निकल चुका है, तो यहां पर से क्या होगा, सिंस क्या होगा VP इक्वल टू VN। अब यहां से जैसे ही VN है तो ये कैसा आपका एम्पलीफायर हो गया, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यहां पर क्या होगा, यहां पर नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यस नॉन इन्वर्टिंग समर सर्किट। तो हम लोग करेंगे क्या इसमें, यहां हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं, वी आउटपुट बराबर वीपी इंटू 1 प्लस आरएन बटा आर1। हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली वीपी को लाकर के यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसे वैल्यू क्या होगा आ जाएगा। तो सभी लोग, आप लोग आई थिंक सभी लोग खर्च कर लेंगे ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग समर सर्किट। समर में आप देख रहे हैं ना कि ये दो ही नंबर को, तीन नंबर को नहीं ऐड करेगा, बल्कि ये जितने हम लोग नंबर देंगे, जितने इनपुट देंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा आउटपुट होगा इसका। आप सिंपल से यहाँ पर हमारे कैलकुलेटर में काम देखते हैं, कैलकुलेटर में क्या करते हैं कि जितने भी नंबर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं डालते हैं एनालॉग में, और उस पूरे को क्या करता है एड करते हुए हमको आउटपुट देता है। तो नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे सबट्रैक्टर के बारे में, ठीक है ना। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा आप दूसरे को शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे को भी इसका लाभ पहुंचे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।